एक बुद्धिमान आदमी जानता है कि उसके द्वारा लिए गए आज के फैसले उसके कल का निर्णय करेंगे। इसीलिए वो अपने फैसले हमेशा सोच विचार कर ही लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके द्वारा लिया गया छोटे से छोटा फैसला सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। हमारा जीवन किस प्रकार का होगा ये सिर्फ हमारे सोचने के नजरिए पर ही निर्भर होता है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बहुत ही गरीब आदमी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना उसके पास धन था, उसके माता पिता अंधे थे और उसके कोई संतान भी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पूरी प्रकृति का कहर उसी पर टूट पड़ा हो। अपनी परिस्थितियों से तंग आकर वो पहाड़ों में तपस्या करने के लिए चला जाता है। बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद एक दिन भगवान उसको दर्शन देते हैं और उसे कोई भी वरदान मांगने के लिए कहते हैं। अब यहीं पर सबसे बड़ी अड़चन खड़ी हो जाती है। वरदान उसे एक मांगना था, लेकिन उसकी इच्छाएं तो तीन थी। वो अपने माता पिता की दृष्टि भी चाहता था, वो धन भी चाहता था और अपने लिए संतान भी चाहता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भगवान से क्या वरदान मांगे। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने ऐसा वरदान मांगा कि भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए। उसने भगवान से कहा कि हे परमात्मा, मैं चाहता हूँ कि 3 महीने बाद मेरे माता पिता मेरे बेटे को सोने की थाल में दूध पीता हुआ देखें। अब इस एक वरदान में उसकी तीनों इच्छाएं पूरी हो गई। उसके माता पिता की दृष्टि भी आ गई, उसके लिए धन भी पर्याप्त हो गया और उसके संतान भी हो गई। हालांकि कहानी काल्पनिक है, लेकिन इससे सीखने को यही मिलता है कि हमारे लिए गए फैसले हमारे पूरे जीवन को किस प्रकार बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सटीक फैसले लेने सीख जाएं, जिससे हमारे जीवन में कोई गलती ना हो और हमारे द्वारा लिए गए किसी भी फैसले पर हमें कभी पछताना ना पड़े। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद बुद्ध वेणुवन में वापस लौट आए थे। अपने 400 भिक्षुओं के साथ वो 3 महीने तक वेणुवन में ही निवास करने वाले थे। जब बुद्ध वेणुवन में ठहरे हुए थे तो वो रोज सुबह चलित ध्यान करने के लिए जंगल में टहलने के लिए निकलते थे। जब वो टहलने के लिए निकलते थे तो एक लकड़हारा रोज सुबह वहां पर लकड़ी काटने के लिए आता था। वो तथागत बुद्ध को देखकर बिना कुछ बोले ही सीधा अपने रास्ते पर निकल जाता था। लगभग 10 दिनों तक बुद्ध उस आदमी की इस प्रतिक्रिया को देखते रहे। ना तो वो बुद्ध को देखकर मुस्कुराता था, ना ही कुछ बोलता था, बस अपने रास्ते पर सीधा चला जाता था। एक दिन बुद्ध ने वेणुवन के ही एक दूसरे युवक से उस युवक के बारे में पूछा। बुद्ध ने पूछा कि तुम्हारे गांव का एक लकड़हारा है, रोज जंगल में लकड़ी काटने के लिए आता है, लेकिन मैंने आज तक उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं देखी। वो बहुत तनाव में दिखता है, बहुत दुखी रहता है, किसी से बोलता भी नहीं है। ऐसा उसके जीवन में क्या हो गया, क्यों वो इतना दुखी रहता है? उस युवक ने कहा कि हे तथागत, आपने तो क्या, हमने भी आज तक उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं देखी है, और मैंने तो क्या गांव के किसी भी युवक ने, किसी भी आदमी ने उसके चेहरे पर कभी कोई मुस्कुराहट नहीं देखी। उसका चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है, वो तनाव में रहता है। जब उससे कोई बात करके उसके तनाव का कारण पूछने की कोशिश करता है तो वो कोई कारण भी नहीं बताता। बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि क्या उसके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है? तो इस पर उस युवक ने मना करते हुए कहा कि नहीं तथागत, उसका परिवार तो भला चंगा है, उसके परिवार में तो सब लोग हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब बुद्ध दोबारा चलित ध्यान करते हुए जंगल से गुजर रहे थे तो उनका सामना दोबारा से उस लकड़हारे से हो गया। बुद्ध ने उस युवक को टोकते हुए कहा कि जीवन इतना खूबसूरत है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों रहते हो? आज 10 दिन हो गए मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। क्या परेशानी है? जीवन इतना आनंद भरा है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई आनंद प्रतीत नहीं होता। उस युवक ने तिरछे नेत्रों से बुद्ध की तरफ देखते हुए कहा कि मेरी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मैं किसी को अपनी समस्या बताता भी नहीं हूँ। मैं किसी से कोई बात करना नहीं चाहता। मैं अपने जीवन में जैसा भी हूँ ठीक हूँ। मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके शब्द कर्कश भरे थे, लेकिन बावजूद इसके बुद्ध मुस्कुराते हुए उस आदमी का कंधा थपथपाकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। लकड़हारा भी अपने रास्ते पर आगे चलते हुए सोच रहा था कि बड़ा ही अद्भुत आदमी था। मैंने कितने कर्कश भरे शब्द उसको बोले, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन तक महसूस नहीं हुई। कोई आम इंसान होता तो अब तक मुझसे झगड़ बैठा होता, लेकिन वो तो मेरा कंधा थपथपाकर आगे बढ़े हैं। सच में ये कोई महापुरुष हैं।
वो ये सब सोचता हुआ अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था कि तभी बुद्ध ने उसे पीछे से आवाज दी। बुद्ध ने कहा कि बनते लगता है तुम्हारी लकड़ी यहाँ पर छूट गई है, शायद तुमसे गलती हो गई, वापस आकर अपनी लकड़ियां ले जाओ। लकड़हारा वापस पलटकर बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, आपके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन आज भली भांति पहचान गया कि आप कितने बड़े महापुरुष हैं। मैंने आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं की और उसके बावजूद आप मेरी सहायता कर रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा जीवन तो मानव जाति के दुखों को दूर करने के लिए ही समर्पित है। अब कोई मुझे अपना दुख बताएगा तो मैं उसके दुख दूर करूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसा मनुष्य जो अपना दुख बताना ही नहीं चाहता, भला उसका दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। उस लकड़हारे ने कहा कि हे तथागत, मेरा दुख जानकर आप क्या करेंगे, वो दुख दूर नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं अपना दुख किसी को बताता नहीं हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि हो सकता है मैं तुम्हारे दुख दूर ना कर सकूं, लेकिन दुख बताने से मन हल्का होता है। तुम अपना दुख साझा कर सकते हो और उसके बाद हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता भी कर पाऊं। एक बार बताओ तो सही, तुम्हारे जीवन की समस्या क्या है। ये सुनकर वो लकड़हारा भी आज पहली बार मुस्कुराया। उस लकड़हारे ने कहा कि आप ठीक कहते हैं तथागत, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना जो भी उपदेश दें मेरे बेटे के सामने दें, शायद मेरे दुख को दूर करने के लिए जो सीख आप मुझे देना चाहते हैं उससे ज्यादा फायदा मेरे बेटे को पहुंचे, इसीलिए मैं कल आपसे अपने बेटे के साथ आपके आश्रम में आकर मिलूंगा। अगले दिन सुबह सुबह जब चलित ध्यान करके बुद्ध अपने आश्रम में वापस लौटे तो वही लकड़हारा अपने बेटे के साथ उनके आश्रम में पहुंचा हुआ था। बुद्ध को ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। बुद्ध ने उन दोनों को अपने पास बुलाया। पास पहुंचकर उस लकड़हारे ने बुद्ध से कहना शुरू किया कि हे बुद्ध, मैंने अपने जवानी के दिनों में एक गलत फैसला लिया था जिसकी वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद चला गया। मैं जवानी में बहुत ही ताकतवर हुआ करता था, मेरी पहलवानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। मैं चाहता था कि मैं सेना में भर्ती होकर अपने राज्य की रक्षा करूं, लेकिन तभी मुझे एक मित्र ने मुझे व्यापार करने की सलाह दी। मैंने अपना सेना में भर्ती होने का सपना छोड़कर और उसके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो व्यापार अच्छा चला, लेकिन कुछ समय बाद वो व्यापार भी चौपट हो गया और वो दोस्त जिसके साथ मैंने व्यापार शुरू किया था वो मुझे धोखा देकर मुझे छल कपट करके मुझे छोड़कर चला गया। इससे मेरा दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। मैं चाहता तो आसानी से सेना में भर्ती हो सकता था, लेकिन मेरे द्वारा लिया गया एक गलत फैसला मेरे पूरे जीवन को बर्बाद कर गया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को समझाएं कि जीवन में सही फैसला लेना कितना महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि सही फैसले किस प्रकार लेने चाहिए, क्योंकि आजकल के युवक लालच में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज जो वो फैसला ले रहे हैं वो उसके जीवन को किस प्रकार बदल देगा। बुद्ध बिना पलक झपकाए उसकी बात बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा कि बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तथागत ने उस लकड़हारे के बेटे की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया कि सही फैसला लेने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि तुम्हारा मन शून्यता में हो। शून्यता का अर्थ है कि तुम्हारे मन में उस फैसले को लेकर कोई भी भावना नहीं है। अक्सर मनुष्य फैसले लेने में तभी गलती करता है जब उसका मन किसी भावना से ग्रस्त होता है। मोह में, लालच में, दूसरों से वशीभूत होकर हम ये भूल जाते हैं कि हम जो फैसला ले रहे हैं वो दूसरों से ज्यादा प्रभावित है, किसी भावना से ज्यादा प्रभावित है, बजाय इसके कि वो फैसला हमारे मन से निर्विकार भाव से निकला है। तथागत की बात सुनकर लकड़हारे ने कहा कि आप ठीक कहते हैं तथागत, मैंने भी अपने जीवन में यही गलती की थी। मुझे लगा था कि सेना में तो मैं थोड़ा सा धन कमा पाऊंगा और व्यापार में मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा धन कमा सकता हूँ, बहुत ज्यादा धन कमा सकता हूँ, इसीलिए लालच में फंसकर मैंने वो गलत फैसला ले लिया। अगर उस समय मैं शून्यता के अर्थ को समझता तो मैं ये समझ पाता कि मेरा जीवन किसके लिए समर्पित होना चाहिए। मेरी सबसे ज्यादा रुचि सेना में भर्ती होना ही था। लकड़हारे ने तथागत से पूछा कि हे तथागत, मन को शून्यता में ले जाना इतना आसान कहाँ होता है? अपने मन को शून्यता में किस प्रकार ले जाएं जिससे कि हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई दे, सही फैसला अपने आप हमारे अंदर से निकल कर आए। तथागत ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि ठहराओ, जब भी हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो फैसला हमेशा दुखदायी होता है। अपने आप को समय दो, ठहर जाओ, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ये समझो कि जो फैसला तुम लेने वाले हो वो तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करेगा
और सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी पूरी तरह से प्रभावित करेगा। जब तुम पूरी मानव जाति की भलाई के लिए सोचते हो तो कोई फैसला गलत हो ही नहीं सकता है। फैसले गलत तभी लिए जाते हैं जब हम स्वार्थी होकर वो फैसले लेते हैं, जब हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लेकिन जब हम पूरी मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचते हैं तो उस मानव जाति में हमारा परिवार भी आ जाता है और समूचे लोग आ जाते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। इसीलिए जब तुम पूरी मानव जाति के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे फैसले गलत नहीं होंगे, बल्कि वो फैसले तुम्हें सुख देंगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को ही केंद्र में रखोगे तो तुम सत्य को कभी देख ही नहीं पाओगे। बुद्ध ने सही फैसला लेने के लिए दूसरा तरीका बताते हुए कहा कि रात में सोने से पहले अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने अवचेतन मन को ये संदेश दो कि तुम किस समस्या में उलझे हुए हो। लेकिन याद रखना कि इस समय तुम्हें कोई निर्णय नहीं लेना है, तुम्हें बस अपनी समस्या के बारे में सोचना है। और अपनी समस्या के बारे में सोचते सोचते ही तुम सो जाना और उसके बाद वो समस्या तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचेगी और पूरी रात तुम्हारा अवचेतन मन उसी समस्या पर काम करता रहेगा। और जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे मन से अपने आप वो निर्णय निकल कर आएगा जो सही होगा, जो सर्वमान्य होगा, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। ये प्रक्रिया बहुत आसान है। अगर एक दिन में परिणाम नहीं मिल रहे तो कुछ दिनों तक अभ्यास करो, जरूर अपने आप अंदर से कोई ना कोई फैसला आएगा जो तुम्हें संतुष्ट भी करेगा और जो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए भी होगा। तीसरा तरीका बताते हुए बुद्ध ने पूछा कि जरा तुम मुझे ये बताओ कि एक न्यायाधीश किस प्रकार अपना फैसला लेता है। लकड़हारे ने कहा कि तथ्यों के आधार पर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें भी अपना फैसला न्यायाधीश की तरह लेना है। अपनी समस्या के बारे में सारे तथ्य जुटा लो, हर पक्ष देख लो, अच्छा पक्ष भी देखो और बुरा पक्ष भी देखो। ये देखो कि तुम्हारे लिए गए फैसले से अच्छा क्या हो सकता है और साथ के साथ ये भी देखो कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अक्सर हम परिस्थिति का एक ही पहलू देखते हैं और इसीलिए जब दूसरा पहलू हमारे सामने निकल कर आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी सोच के अनुसार नहीं होता है। लेकिन जब तुम पहले से ही परिस्थिति का पूरी तरह से आकलन करके रखोगे तो तुम्हें उस परिस्थिति के अच्छे और बुरे परिणाम दोनों पहले से पता होंगे। इसीलिए बाद में वो परिस्थिति, वो समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें उतना दुख नहीं देगी, क्योंकि तुम पहले से उसके बारे में जानते हो। अगर तुम खुद उस परिस्थिति के बारे में पूरा आकलन नहीं कर पा रहे तो अपने आसपास जो भी बुद्धिमान लोग मौजूद हों उनसे उस समस्या के बारे में चर्चा करो। वो तुम्हें उस परिस्थिति के बारे में पूरा ज्ञान तो नहीं देंगे, लेकिन कोई ना कोई पहलू तो वो अपनी सोच के अनुसार तुम्हें जरूर बताएंगे। और इस तरह जब तुम 10-15 लोगों से उस समस्या के बारे में चर्चा कर लोगे तो तुम्हें उस परिस्थिति का पूरा ज्ञान हो जाएगा और इसीलिए तुम उस परिस्थिति को पूरी तरह से समझकर सही फैसला ले सकते हो। याद रखना, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझने की गलती कभी मत करना। मूर्ख होता है वो इंसान जो अहंकारवश अपने को सबसे बुद्धिमान समझता है। हर मनुष्य के सोचने का एक नजरिया होता है, वो अपना पहलू तुम्हारे सामने रख सकता है। तुम उसे मानो या ना मानो वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन सबका पहलू जान तो लो ताकि कोई भी निर्णय लेते समय तुम्हारे दिमाग में उस परिस्थिति का पूरा ब्यौरा हो। तथागत ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि यही कुछ अद्भुत तरीके थे जिनके अनुसार अगर तुम फैसले लेते हो तो तुम्हें जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। वो लकड़हारा तथागत की बातों से बहुत प्रभावित हो गया। वो तथागत के चरणों में नतमस्तक हो गया, उसकी आंखों में आंसू थे। तथागत ने उसको उठाते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन तो जैसे बीता वैसे बीता, लेकिन अपने बेटे को हमेशा सही रास्ता दिखाना। इस तरह बुद्ध को प्रणाम करके वो लकड़हारा अपने बेटे के साथ अपने गांव वापस लौट आया। आज सारा गांव देख रहा था कि वो लकड़हारा मुस्कुराता हुआ मस्त मलंग अपने रास्ते पर चला जा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल।